हेलो स्टूडेंट्स, यह है चैप्टर नंबर टू का पार्ट थ्री। सम स्टार्ट करते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, जिस दिन इनॉग्रेशन मतलब उनकी शपथ थी, समारोह था, आई वॉज ओवरवेल्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं ना इतिहास के बारे में सोच के बहुत चीज़ें सोचने लग गया। ओवरवेल्ड का ये मतलब होता है बहुत ज़्यादा अलग टाइप की चीज़ें सोचना और उनको चीज़ों को सोचते सोचते काफ़ी नर्वस हो जाना। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जब हम आपने एक बार नोट करी होगी स्टूडेंट्स कि अभी हम जिस सदी में रह रहे हैं, जिस सेंचुरी में रह रहे हैं, वो 21st सेंचुरी है, जबकि रियलिटी में हम क्या लिखते हैं, 2000 लिखते हैं ना। उसी तरीके से 19th सेंचुरी को हम 20th सेंचुरी कहते हैं, ठीक है, लेकिन रियलिटी वो 90s है, ठीक है, इसको याद रखना। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। सो बेसिकली साउथ अफ्रीका में और उसके आसपास के राज्यों में एक वॉर हुई थी जिसका नाम था एंग्लो बोअर वॉर। जैसे ये वॉर ख़त्म हुई ना, साउथ अफ्रीका में रहने वाले जितने भी वाइट लोग थे ना, उन लोगों ने हुकूमत करनी शुरू कर दी अपने ही लोगों पर, ब्लैक लोगों पर, और उनको दबाना शुरू कर दिया। The structure they created formed the basis of the one of the most harshest, most inhumane societies the world had ever known. So, जो उन वाइट लोगों ने जब जैसे अपने डोमिनेशन ब्लैक लोगों के ऊपर खड़ा कर दिया, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर जो बनाया था ना उन्होंने रूल करने का, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा बुरे, सबसे ज़्यादा इनह्यूमेन का मतलब क्या होता है, इनह्यूमेन का मतलब होता है सबसे ज़्यादा इंसानियत में ना सबसे ज़्यादा बदतर, खुद का सिस्टम सोसाइटी बनाई जो वर्ल्ड ने देखी नहीं थी। इतनी बुरी सोसाइटी उन लोगों ने एस्टैब्लिश की, स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माय ओन 80th डिकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैज़ बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय द वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब उसके 90 साल बाद, ठीक है, जब ये वॉर ख़त्म हो गई और 20th सेंचुरी या 19th सेंचुरी जो भी आप कहो, जिस तरीके से आपको इजी लगे, वो ख़त्म हुई। अब उसके बाद 1990s में नेल्सन मंडेला उन लोगों ने स्टार्ट करा, और नेल्सन मंडेला तब एटलीस्ट जब वो प्रेजिडेंट बने थे तब वो 80 ईयर्स के थे, 80 से भी ऊपर थे, ओके। सो अब जैसे ही उस लड़ाई के और उस वाइट लोग के रूल के बाद साउथ अफ्रीका में, उसके करीबन 90 साल बाद, 80-90 साल बाद, अब दोबारा नई सोसाइटी बन रही है जिसमें हर एक बंदे की राइट्स रिकॉग्नाइज करी जा रही है, उसमें फ्रीडम है हर किसी के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन, रिगार्डलेस कि उनके स्किन का क्या कलर है, सबको इक्वल राइट्स दी जा रही है। द डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। ये जो दिन है ना, ये बहुत सारे इतने सारे लोगों के सेक्रीफाइसेस से आया ना कि हम सोच नहीं सकते। अनइमेजिनेबल पीपल हु वर सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। उन लोगों के करेज से आया है, उन लोगों की सफरिंग से आया, उन लोगों की परेशानियों से आया, जिसको हम कभी गिन नहीं सकते और कभी चुका नहीं सकते। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी डेज। मैंने इस दिन को ना, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, इसको बहुत बार मतलब फील करा। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। कि ये जो लास्ट में जो चीज़ जीत मैंने चीज़ जीती है ना, इसमें नेल्सन मंडेला बेसिकली हमें ये समझा रहे हैं कि जो इन्होंने लड़ाई लड़ी और अभी जीत गए, प्रेजिडेंट बन गए, रियलिटी में सिर्फ ये नहीं जीते हैं, रियलिटी में बहुत सारे लोग जीते हैं। रियलिटी में वो जितने भी लोग थे जिन्होंने रूल करा था, जिन्होंने रूल को तोड़ने की कोशिश करी थी, उन सारे फ्रीडम फाइटर्स, वो जब लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो गई, उन लोगों की जीत थी, उन सब लोगों ने ही जीता था। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं वो उन सब लोगों की जगह यहाँ खड़े हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। अब वो लोग तो चले गए हैं, लेकिन ये जो दोबारा से नई शुरुआत हुई है, ये मेरे साथ हुई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट दिस सेक्रीफाइस हैड रॉट। वो कह रहे हैं कि मुझे बुरा लगता है कि वो सब लोग अभी यहाँ है नहीं, तो वो देख नहीं पाएंगे कि कितनी सारी चीज़ें, जो सेक्रीफाइसेस जिन्होंने करे हैं, उनसे हमने क्या क्या अचीव कर लिया है। मैं उनको कभी शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊँ कि उनकी वजह से हम ये सब हासिल कर पाए, और वो ये देख भी नहीं पाएंगे ये सब। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो ये अपार्थेड सिस्टम था, इन्होंने एक बड़ा गहरा और बहुत
लास्टिंग वूंड, मतलब बहुत दिनों तक रहने वाला एक ना दर्द, एक चोट दे दी है इस कंट्री को, मेरे लोगों को. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दी प्रोफाउंड हर्ट. और हम लोगों को अगर सालों नहीं, अगर अगर सालों, अगर जनरेशंस नहीं तो मतलब सालों लग जाएंगे इस दर्द से उभरने के लिए. बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एम्बुलेटरी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट. दैट वॉज इट प्रोड्यूसिस द ओलिवर टेम्पोस, द वोल्टर सिजलस, द चीफ ल्यूथलियस, द यूसुफ ददूस, द ब्राम फिशर्स, द रोबर्ट सुकुवूस ऑफ आर टाइम. ये सारे वो लोग हैं स्ट्रेंस जिन लोगों ने नेल्सन मंडेला से पहले आके इस पेल के लिए लड़ाई लड़ी अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए. मैन ऑफ सच एक्सट्रॉर्डनरी करेज, विजडम, जेनरोसिटी दैट दैट देयर लाइक मे नेवर नो अगेन. इतने सारे महान लोगों को जन्म दिया जैसा जैसे लोग कभी हो अब और शायद ना हो. परहैप्स इट इज़ रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर्स. वो कहते हैं कि लगता है इतना ही दबाव, इतनी ही सफरिंग, इतनी ही प्रॉब्लम्स हमें देनी होगी किसी किसी जगह को, लोगों को, अगर हम चाहते हैं कि इतने ग्रेट और इतने महान करेक्टर्स निकले. इतना ही हमें उनको पेन में रखना पड़ेगा इतने महान लोग निकालने के लिए. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ द सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन इट्स ग्रेटर वेल्थ इट इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. सो हम नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उन्होंने इस धरती पे, मतलब इस साउथ अफ्रीका की ज़मीन के अंदर बहुत सारे सुंदर पत्थर हैं, बहुत सारे कीमती पत्थर हैं, रिच मिनरल्स हैं, धातु, जवेरा, जवाहरात, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन जो इस कंट्री की असली वेल्थ है ना, जो असली स्ट्रेंथ वेल्थ है ना, वो रियलिटी में यहाँ के लोग हैं जो सबसे प्योरेस्ट डायमंड से भी फाइन है, सबसे ज़्यादा प्योर डायमंड से भी ज़्यादा कीमती अनमोल है. इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इज द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स, कॉमरेड्स क्या होते हैं, जो हमारे साथ लड़ाई करते हैं ना, जब हम बैटल में जाते हैं वॉरियर्स वगैरह, तो उनके साथ जो लड़ाई कर रहा होता है, जो उनकी हमेशा बैक का ख्याल रखता है. नॉर्मली बैटल्स में क्या होता है, लोग हैं ना ग्रुप बने होते हैं, और ना एक बंदा लड़ाई कर रहा होता है और दूसरा बंदा अपने साइड वाले बंदे की पीठ देख रहा होता है कि पीछे से कोई हमला ना करे. पुराने टाइम में जो स्पार्टाज हो गए और एथेंस के जो सिपाही हो गए, सोल्जर्स हो गए, वो इस तरीके से लड़ते थे. दो दो पेयर्स होते थे, एक पेयर लड़ाई करता था, दूसरा पेयर उसकी रखवाली करता था पीछे से, तो उनको कॉमरेड्स कहते थे. तो नेल्सन मंडेला कंपेयर करें इन सारे लोगों को जो भी उनके साथ फ्रीडम स्ट्रगल में थे या जो उनसे पहले थे, कि वो उनके साथ थे और उनके कारण ही उनको करेज, हिम्मत के बारे में, की मीनिंग के बारे में पता चला है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया. उन्होंने कहा है कि मैंने देखा है कि आदमी और औरत कैसे रिस्क करते हैं, कैसे जोखिम लेते हैं और अपनी ज़िंदगी किसी एक आइडिया के लिए दे देते हैं. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. मैंने देखा है आदमियों को उठते हुए, अटैक करते हुए, टॉर्चर सहते हुए बिना टूटे, शोइंग अ स्ट्रेंथ, हिम्मत दिखाते हुए, रिसाइलेंस, और हर चीज़ का मुकाबला करते हुए जो उनकी इमेजिनेशन को रोकने की कोशिश करता है. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. मैंने ये सीखा है कि जो हिम्मत है ना, वो डर की कम, वो डर की वो नहीं है, कि अगर डर प्रेजेंट नहीं है तो आपके अंदर करेज है, लेकिन ट्रायम्फ ओवर इट है, मतलब उसके ऊपर की विक्ट्री की आवाज़ है, ट्रायम्फ, उसके ऊपर की रिजॉइस है. कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली हम सोचते हैं कि करे हिम्मत का क्या मतलब होता है, हिम्मत का मतलब होता है कि डर ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर नहीं है, हिम्मत का मतलब ये है कि डर है और उस डर का मुकाबला करेंगे खुशी खुशी, मतलब हमें उसका कोई वो भी नहीं, हम कह रहे हैं डर है चलो आने दो, डर जितना भी आ रहा है आने दो, मैं मुकाबला करूँगा. वो कह रहे हैं करेज वो है, द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट अफ्रेड बट ही हु कॉन्करस दैट फियर. वो कह रहे हैं कि एक हिम्मत वाला आदमी वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट वो होता है जो डर को जीत लेता है. तो हम लोगों ने वो ऐड देखी है माउंटेन ड्यू की, डर के आगे जीत है. तो लाइक सबसे मुझे ना वो ऐड ना सबसे अच्छी लगती है, ऐसे नहीं माउंटेन ड्यू सोडा या कोल्ड ड्रिंक के हिसाब से, पर जिसका वो डायलॉग है ना कि डर के आगे जीत है, क्योंकि बिकॉज सबसे ज़्यादा ना असली जो वर्ड्स है ना वो उनमें से एक है, कि जब हमेशा डर को कॉन्कर करते हैं ना उस डर के आगे ही जीत होती है. तो बहुत अच्छा वो कोट है, याद रखो स्टूडेंट्स, लाइफ में बहुत काम आएगा वो तुम्हारे, डर के आगे जीत है. सो मे बी हम दो पार्ट्स और बनेंगे स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाना चाह रही क्योंकि नहीं तो आपको बोर हो जाओगे आप. सो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कहाँ तक करते हैं. ओके.